जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। इतना जहरीली शराब और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा, उसको पकड़ो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी शराब पिएगा उसकी मौत होने निश्चित है। फिर से महात्मा गांधी को याद किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। देखिए, आज देश के एक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है और उसका मल्यार्पण करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि छपरा में 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से, तो इस पर फिर से एक बार पूरी कहानी फिर से बता रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुनिए क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का। नहीं देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराब बंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट एक जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपस सम के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही ना है। आवाज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं, तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई, गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए, और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए, बहुत बुरी चीज। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। और महिलाएं कितनी सक्रिय रहती हैं, पुरुष भी कितने सक्रिय रहते हैं। हमने तो राजधानी में कर, पटना में कर दिया था कि अभी रहेगा, बाद में करेंगे 16 में, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ, महिलाओं का, पुरुषों का, तो 5 दिन के अंदर ये भी हम लोग कर दिए थे 16 में। तो एक बात सोच लीजिए कि लोगों का है, भला बताइए कुछ बोलता है। इतने लोगों का बार बार समीक्षा, रोज देखते होंगे कि कितने लोगों पर एक्शन लेता है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो कार्रवाई करता है उनको हम लोग इतना जरूर कहते रहते हैं। हम तो कह रहे हैं और पूरे तौर पर सब लोगों को कहते हैं कि सारे लोग देखें इसको। तो आज जो चला है, तो ये जो शराब चलाया है, अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए। अब तो करने के लिए तैयारी है,
लेकिन लोगों को तो एक एक जगह जाके समझाना है ना भाई, कि आप ये सब पीते हो तो देख लो क्या हालत हो गया। तो इसलिए हम तो इसी बात को लेकर के, और कल भी लोग बोल रहे थे तो हम इसलिए कहा कि भाई आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना, तो इसको तो सबको समझाना ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनको पैसा दे। तो साफ लफ्ज में, साफ शब्दों में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर रहे कर दिया है कि बिहार में जहरीली शराब का सेवन जो करेगा उसका मौत होना निश्चित है और कोई भी मुआवजा उसे नहीं दिया जाएगा। भाई ये सर्वविदित है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी है और उसमें अगर जहरीली शराब बिक रही है, कोई असामाजिक तत्व, कोई माफिया अगर बेच रहा है तो उससे बड़ा गुनहगार वो है जो वो शराब खरीद कर पी लेता है। यही कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए बिहार टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।